बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज है 3.4। और इंटीग्रेशन में अभी तक जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है वो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है, जो कि एक मेथड है इंटीग्रेशन फाइंड करने का, किसी फंक्शन का, यानी कि दो फंक्शंस का प्रोडक्ट हो उसकी इंटीग्रेशन हमने फाइंड करनी हो तो हम बाय पार्ट्स यूज़ करते हैं। ये चीज़ें हम पहले देख चुके हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट के टॉपिक में, तो अब उससे रिलेटेड हम एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है और इसके 21 पार्ट्स हैं, तो कोशिश करते हैं कि इसमें हम पहले 10 पार्ट्स को कवर करेंगे, ठीक है। तो पहला पार्ट देखते हैं कि पहले पार्ट में हमें क्या फंक्शन गिवन है और उसको हमने इंटीग्रेट कैसे करना है, ठीक है। तो पहला पार्ट है, उसमें फंक्शन हमें जो गिवन है एक्स साइन ऑफ एक्स, इसको ये दो, यानी कि एक इसमें फंक्शन एक्स है और दूसरा फंक्शन इसमें साइन ऑफ एक्स है, ठीक है। दो फंक्शंस हैं और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी कि हम इसे कह सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। तो इसको इंटीग्रेट करना है हमने, तो चलो मैं इंटीग्रल साइन भी साथ लगा देता हूँ, ये इंटीग्रल साइन हो गया। और साथ में किसकी रिस्पेक्ट से सॉल्व करना है, ये इंटीग्रेट करना है वो डी एक्स, यानी कि एक्स की रिस्पेक्ट से हमने इसको इंटीग्रेट करना है। अच्छा, जब एक्स की रिस्पेक्ट से इसको हमने इंटीग्रेट करना है और प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस है, हमने देखा था बाय पार्ट्स के यानी कि टॉपिक में हमने देखा था कि जब प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस हो उसको हम इंटीग्रेट करते हैं बाय पार्ट्स से, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एक मेथड है, ठीक है। तो उसमें किस तरह, वो फार्मूला हम देख चुके हैं, चलो मैं फार्मूला दोबारा लिख देता हूँ कि सपोज, चलो कलर भी चेंज कर देता हूँ। बाय पार्ट्स का फार्मूला ये है, अगर आपने इंटीग्रल फाइंड करना है, एक फंक्शन आपके पास एफ ऑफ एक्स हो, दूसरा फंक्शन आपके पास जी प्राइम ऑफ एक्स हो, ठीक है, तो उसको आपने इंटीग्रेट करना हो एक्स की रिस्पेक्ट से, तो वो इक्वल होता है पहला फंक्शन एज इट इज़ एफ ऑफ एक्स और दूसरे फंक्शन का इंटीग्रल, यानी कि जी प्राइम ऑफ एक्स दूसरा फंक्शन है तो जी प्राइम ऑफ एक्स का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, उसके बाद माइनस साइन और फिर इंटीग्रल का साइन, ठीक है। इंटीग्रल के साइन के अंदर यही वाली इंटीग्रेशन, यानी कि इंटीग्रल ऑफ जी प्राइम ऑफ एक्स, इंटीग्रल ऑफ जी प्राइम ऑफ एक्स यहाँ पर लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और साथ में मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, यानी कि एफ प्राइम ऑफ एक्स आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो है उसका फार्मूला है, और एंड पे आप डी ऑफ एक्स भी डालेंगे क्योंकि ये इंटीग्रल साइन जो है इसकी भी तो इंटीग्रेशन, यानी कि जो भी अंदर रिजल्ट आएगा इस इंटीग्रल का और इसका डेरिवेटिव जो आएगा उसका फिर प्रोडक्ट होगा, ठीक है, जो भी रिजल्ट आएगा उसको हमने इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये डी एक्स इस वजह से मैंने एंड पे लगाया। अच्छा, अब यहाँ पर जो हमारे पास गिवन फंक्शन है वो मैं लिखता हूँ, गिवन फंक्शन है एक्स साइन ऑफ एक्स, ठीक है, दो फंक्शन है हमारे पास। अब इसमें हम इंटीग्रेट करेंगे इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, बाय पार्ट्स हम इस पर अप्लाई करते हैं। तो पहला फंक्शन एज इट इज, सपोज मैं चलें इसमें मेंशन भी कर देता हूँ कि ये जो है एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, और ये जो है साइन ऑफ एक्स जो है वो जी प्राइम ऑफ एक्स है, ठीक है, एक फंक्शन एक्स है और दूसरा साइन ऑफ एक्स है। तो पहला फंक्शन जो है वो एज इट इज आ जाएगा, यानी कि एक्स हमने एज इट इज लिख दिया। उसके बाद क्या है, इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, सेकंड फंक्शन यहाँ पर साइन ऑफ एक्स है, इसका इंटीग्रल क्या होता है साइन ऑफ एक्स का इंटीग्रल, चले हम पहले ऐसे करते हैं कि लिख देते हैं कि इंटीग्रल ऑफ साइन ऑफ एक्स, अभी फाइंड नहीं करते सिर्फ लिख देते हैं, यानी कि फार्मूला में जस्ट हम पुट कर रहे हैं अभी वैल्यूज, ठीक है। उसके बाद माइनस साइन है, फिर इंटीग्रल का साइन है, और इंटीग्रल के साइन के अंदर इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन है, ठीक है, ये इंटीग्रल साइन मैंने डाला ऑफ सेकंड फंक्शन, सेकंड फंक्शन हमारे पास साइन ऑफ एक्स है, तो यहाँ पर साइन ऑफ एक्स आ जाएगा, साइन ऑफ एक्स और विद रिस्पेक्ट टू एक्स है तो डी एक्स साथ आ जाएगा, और फिर क्या है एफ प्राइम ऑफ एक्स, यानी कि फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, यानी कि डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स, ठीक है, और एंड पे डी एक्स आ जाएगा कि इंटीग्रल हमने एंड पे फाइंड करना होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये मैंने अभी सिर्फ पुट किए हैं वैल्यूज, ठीक है, फंक्शंस पुट किए हैं। अब ये एक्स एज इट इज, उसके बाद साइन ऑफ एक्स का इंटीग्रल है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, साइन ऑफ एक्स का आपको पता है क्या यानी कि इंटीग्रेशन होती है, हम पहले पढ़ चुके हैं, जो कि माइनस कॉस ऑफ एक्स होती है, तो यहाँ पर हम माइनस कॉस ऑफ एक्स लिख देंगे इंटीग्रल ऑफ साइन ऑफ एक्स की जगह। उसके बाद माइनस साइन है,
ये माइनस साइन उतार दिया, फिर इंटीग्रल का साइन है ठीक है ये उतार दिया। अब इसका यानी कि ये इंटीग्रल है साइन ऑफ एक्स का, जिस तरह हमने यहाँ पर फाइंड किया उसी तरह से यहाँ पर भी इंटीग्रल ऑफ साइन ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, माइनस कॉज ऑफ एक्स ठीक है। और साथ में डेरिवेटिव ऑफ एक्स है विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो डेरिवेटिव का भी चैप्टर हम पहले पढ़ चुके हैं ठीक है। तो एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है विद रेस्पेक्ट टू एक्स, अगर आप कहें वो भी वन होता है, यहाँ पर वन आ जाएगा इंटू वन ठीक है। और साथ में डी एक्स भी साथ लिख देते हैं क्योंकि अभी तक एक इंटीग्रल बाकी है ठीक है। तो मज़ीद इसको आगे सॉल्व करते हैं, ये माइनस एक्स कॉज एक्स हम इसे कह देते हैं, ब्रैकेट ओपन कर देता हूँ, ये साइन इसके साथ यानी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस एक्स कॉज ऑफ एक्स बन जाएगा। सो ये साइन भी हम बाहर ले आते हैं, प्लस कॉज ऑफ यानी कि इंटीग्रल ऑफ कॉज ऑफ एक्स डी एक्स हो जाएगा ठीक है। मज़ीद आप इसको आगे सॉल्व करते हैं, ये है माइनस एक्स कॉज ऑफ एक्स प्लस कॉज ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, जिस तरह से साइन ऑफ एक्स की माइनस कॉज है और कॉज की साइन ऑफ एक्स होती है ठीक है। कॉज ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन साइन ऑफ एक्स होती है, उसके बाद एंड पे हम प्लस सी लगा देते हैं क्योंकि इनडेफिनेट इंटीग्रल हमने फाइंड किया है ठीक है। तो एंड पे प्लस सी आप लगा दें रिजल्ट में, ताकि वो यानी कि प्लस सी किस वजह से आता है ये हम इंटीग्रेशन के टॉपिक में यानी कि इस चैप्टर के शुरू में हम देख चुके हैं। तो ये है इसका रिजल्ट, आप इसको रीअरेंज करके भी लिख सकते हैं, मतलब कि जो पॉजिटिव है उसको आप टर्म उसको पहले लिख लें साइन ऑफ एक्स, उसके बाद नेगेटिव टर्म उसको बाद में लिख लें माइनस एक्स कॉज ऑफ एक्स प्लस सी, इस तरह से लिख लें। तो और ये किसके इक्वल आया, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन ऑफ एक्स ठीक है, और इसको हमने इंटीग्रेट कर किया है विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो ये था पहला पार्ट क्वेश्चन नंबर वन का ठीक है। इस तरह से आगे हम नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट यानी कि पार्ट नंबर टू, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। इसमें हमें जो फंक्शन गिवन है वो है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स ठीक है, और इसको हमने इंटीग्रेट करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स, इसलिए इसके साथ मौजूद है डी ऑफ एक्स। अब यहाँ पर देखें हम इस पे बाय पार्ट्स अप्लाई कर, हम तो पढ़े टॉपिक कभी बाय पार्ट्स का पढ़े, तो बाय पार्ट्स में हमें अभी तक ये पढ़ा था कि हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस होने चाहिए, उस पे हम बाय पार्ट्स अप्लाई करते हैं। और प्रोडक्ट में भी हमने ये पढ़ा था कि कोई एक फंक्शन दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो हम उस पे पावर रूल लगा सकते हैं ठीक है। तो यहाँ पर तो सिर्फ एक फंक्शन हमें गिवन है जो कि नेचुरल ऑफ एक्स है, उसको हमने इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या यहाँ पर हम बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे या फिर नहीं करेंगे या फिर किसी और मेथड से इसको सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर कोई यानी कि जो हमने थ्योरम्स पढ़ रखे हैं पहले या सब्स्टिट्यूशंस पढ़ रखी हैं या सिंप्लीफिकेशंस के जो मेथड हमने पढ़ रखे हैं, क्या इस पर कोई एक मेथड अप्लाई होता है, मतलब अगर पावर रूल की बात करें तो यहाँ पर ये अगर फंक्शन नेचुरल लॉग ऑफ एक्स है इसके साथ इसका डेरिवेटिव होना चाहिए, और डेरिवेटिव क्या है, सपोज ये नेचुरल लॉग ऑफ एक्स फंक्शन है इसके साथ इसका डेरिवेटिव होना चाहिए, मतलब कि वन ओवर एक्स होना चाहिए जो कि नहीं है ठीक है। और वन ओवर एक्स से हम मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड भी नहीं कर सकते क्योंकि इसमें एक्स वेरिएबल इन्वॉल्व है ठीक है, इसलिए हम वन ओवर एक्स से मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं कर सकते। चले पावर रूल तो नहीं हुआ, तो क्या इसके डिनोमिनेटर में इसका फंक्शन मौजूद है, मतलब नीचे फंक्शन हो ऊपर डेरिवेटिव हो, नीचे तो चले वन मौजूद है तो वन का डेरिवेटिव जो है वो तो ज़ीरो होता है ठीक है, कांस्टेंट है ना, तो ऊपर तो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स है, यानी कि नीचे फंक्शन और ऊपर डेरिवेटिव वाला भी सिनेरियो नहीं है यहाँ। तो अब क्या करें, ये थ्योरम दोनों भी ये नहीं अप्लाई, और सब्स्टिट्यूशंस में तो ये आता ही नहीं है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स ठीक है, वो तो हमने पढ़ रखे हैं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो, इस तरह की टर्म्स हमने पढ़ी हैं ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशंस में भी नहीं है। क्या इसको हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सिंप्लीफिकेशन भी इस तरह से हम नहीं कर सकेंगे इसकी ठीक है, तो बाय पार्ट्स ही अप्लाई करना पड़ेगा। तो बाय पार्ट्स कैसे अप्लाई करें, ये तो एक सिंगल फंक्शन है, हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन होना चाहिए। हम ऐसा करते हैं, देखें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी अगर आपको याद हो, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, किसी भी नंबर के साथ किसी भी फंक्शन के साथ आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि रिजल्ट हमेशा वही फंक्शन ही आएगा। सपोज मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई पे वन लिखता हूँ तो ये इसका रिजल्ट नेचुरल लॉग ऑफ एक्स ही आएगा ना,
मतलब हम लिख सकते हैं इस पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, कोई यानी कि असर नहीं हो रहा इस फंक्शन के ऊपर, या कोई चेंजिंग नहीं आ रही मल्टीप्लाई को वन करने से, ठीक है। इसलिए हमने इसके साथ वन जो है मल्टीप्लाई कर दिया और डी एक्स और बाकी चीज़ उस तरह से हम लिख देते हैं। अब देखें, अगर इसको फर्स्ट फंक्शन कंसिडर कर लें और इसको सेकेंड फंक्शन कंसिडर कर लें, तो ये दो फंक्शंस का प्रोडक्ट बन जाता है। नेचर लॉग ऑफ एक्स एक अलहदा से फंक्शन, वन एक अलहदा से फंक्शन, ठीक है, दो फंक्शन का प्रोडक्ट बन गया। मतलब कि बाय पार्ट्स की डेफिनेशन जो है वो यहाँ पर पूरी हो जाती है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है कि हमने फर्स्ट फंक्शन इसको कंसिडर कर लिया, चलें हम इसको मैंशन भी कर देते हैं कि ये अब क्या है, फर्स्ट फंक्शन यानी कि एफ ऑफ एक्स, ठीक है। और ये वन क्या है, इसमें वन हमने सेकंड फंक्शन कहा हुआ है इसको, सेकंड फंक्शन यानी कि जी प्राइम ऑफ एक्स आप कह रहे हैं इसको, ठीक है। तो चलें इसको अब ऐसा करते हैं कि बाय पार्ट्स इसके ऊपर अब हम अप्लाई करते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स इंटू वन डी ऑफ एक्स इक्वल हो जाएगा, पहला फंक्शन एज इट इज आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, और फिर साथ में इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, सेकंड फंक्शन वन है डी एक्स लिख देंगे साथ में, ठीक है, माइनस का साइन, इंटीग्रल साइन, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन यानी कि वन की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और फिर साथ में क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन का यानी कि जो कि नेचुरल लॉग ऑफ एक्स है उसका डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, डी बाय डी एक्स ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, ठीक है, और एंड पर डी एक्स आ जाएगा इस इंटीग्रल साइन की वजह से। आगे इसको मजीद हम सॉल्व करते हैं, अभी तक तो हमने वैल्यूज पुट किए हैं बाय पार्ट्स में, ठीक है, बाय पार्ट्स के फार्मूला में, तो ये नेचुरल लॉग ऑफ एक्स इसी तरह से एज इट इज, और वन का इंटीग्रल क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स ही होता है, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि इसको मैं जो है शुरू में लिख देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर लिखूँगा तो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स 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 स्क्वायर बन जाता है, इसलिए वो इसके साथ यानी कि नेचुरल लॉग में नहीं है, बाहर है, ठीक है। तो एक्स नेचुरल लॉग ऑफ एक्स मैंने लिख दिया, उसके बाद क्या है, माइनस का साइन है, इंटीग्रल साइन है, और वन का हम पहले देख चुके हैं कि इंटीग्रेशन एक्स होती है, और डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स वन होता है नहीं, एक्स का वन होता है, ये तो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स है, वन ओवर एक्स हो जाएगा, ठीक है, वन ओवर एक्स इज द डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, और एंड पे हम लिख देते हैं डी एक्स। मजीद आगे इसको सॉल्व करते हैं, एक्स नेचुरल लॉग ऑफ एक्स एज इट इज, माइनस साइन, इंटीग्रल साइन, एक्स जो है वो एक्स से कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, और बाकी हमारे पास क्या बचा, वन बच गया, ठीक है, और डी एक्स आ गया। तो आगे इसको यानी कि मजीद आगे इसको सॉल्व करते हैं, वन का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज एक्स, ये हमारे पास रिजल्ट आ चुका है, इंटीग्रेशन ऑफ हमने फाइंड किया इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स की विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जो कि इक्वल आई है एक्स नेचुरल लॉग ऑफ एक्स माइनस एक्स, या फिर इसमें से आप एक्स कॉमन भी ले सकते हैं, एक्स अगर कॉमन लेंगे तो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स माइनस वन आ जाएगा, ठीक है, ये दोनों रिजल्ट्स वैलिड हैं। तो मतलब कि अगर आपके पास कोई ऐसा फंक्शन हो जिसके ऊपर कोई थ्योरम या कोई भी मतलब उस पर फार्मूला या सब्सटीट्यूशन ना अप्लाई हो रही हो, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि उसको उसके साथ वन मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है वन, ठीक है, तो वन मल्टीप्लाई करके आप दो फंक्शंस का प्रोडक्ट बना सकते हैं, और दो फंक्शन का जब प्रोडक्ट बन जाएगा उसके बाद आप उस पर क्या अप्लाई कर सकते हैं, बाय पार्ट्स का फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, और इस मेथड से सॉल्व करते हुए आप उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा यानी कि डिफरेंट क्वेश्चन था इस टॉपिक में, इसलिए हमने ये सॉल्व किया। आगे मज़ीद चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में हमें जो फंक्शन गिवन है वो है एक्स नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। अब यहाँ पर दो फंक्शन है, एक एक्स है और एक नेचुरल लॉग ऑफ एक्स है। अब यहाँ पर हमें वन मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, तो उस यानी कि बाय पार्ट्स अप्लाई करने के लिए ये काफ़ी है कि प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन होना चाहिए और उसको हम इंटीग्रेट करेंगे यहाँ पर विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अच्छा, अब यहाँ पर देखें तो एक तो चीज़ ये है कि अगर मैं इसको फर्स्ट फंक्शन कंसिडर करता हूँ, चले
जिस तरह से पहले करते आ रहे हैं उस तरह से करके देखते हैं। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होती है वो हम देखेंगे। सपोज इसको हमने फर्स्ट फंक्शन कंसिडर कर लिया, फर्स्ट फंक्शन यानी कि एफ ऑफ एक्स। उसके बाद इसको हमने सेकेंड फंक्शन कंसिडर कर लिया, सेकेंड फंक्शन, और यानी कि सेकेंड फंक्शन क्या होता है हमारे पास जो बाय पार्ट्स का फॉर्मूला है जी प्राइम ऑफ एक्स होता है, तो इसको हमने जी प्राइम ऑफ एक्स कंसिडर कर लिया। अच्छा अब क्या होगा, अब इस पे हम बाय पार्ट्स का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। बाय पार्ट्स एक्स नेचर लॉग ऑफ एक्स डीएक्स इक्वल हो जाएगा पहला फंक्शन एज इट इज, यानी कि एक्स एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन यानी कि नेचर लॉग ऑफ एक्स, ठीक है, माइनस का साइन, फिर इंटीग्रल का साइन और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और विद रेस्पेक्ट टू एक्स है तो इसलिए यहाँ डी एक्स, यहाँ पर भी डी एक्स लगा देते हैं, ठीक है। उसके बाद है आपने मल्टीप्लाई करना है डेरिवेटिव से, डेरिवेटिव ऑफ, इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एक्स है और एंड पे भी डी एक्स लगा देते हैं इस इंटीग्रल साइन की वजह से। अब इसको सॉल्व करते हैं, एक्स नेचुरल लॉग ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं जो कि एक्स इंटू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स माइनस वन है, या फिर ये लिख देते हैं एक्स नेचुरल लॉग ऑफ एक्स माइनस एक्स, एक्स नेचुरल लॉग ऑफ एक्स माइनस एक्स जो होगी नेचुरल लॉग ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन। उसके बाद माइनस का साइन, फिर इंटीग्रल साइन और दोबारा से नेचुरल लॉग ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन, यही वैल्यू आएगी एक्स नेचुरल लॉग ऑफ एक्स माइनस एक्स, ठीक है, और डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज वन जो कि इसके साथ वन मल्टीप्लाई हो जाएगा और एंड पे डी एक्स। अब यहाँ देखें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है हमारा क्वेश्चन, चले ये तो हमें इसको मजीद सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स स्क्वायर नेचर लॉग ऑफ एक्स बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, तो ये तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन थी। लेकिन आप इंटीग्रेशन के साइन के अंदर देखें कि हमारे पास जो यानी कि फंक्शन आता है उसको रिड्यूस होना चाहिए, ठीक है, रिड्यूस होगा तब जाके हमारा जो है ये इंटीग्रेशन आसानी से सॉल्व हो जाएगी, तो वरना थोड़ी डिफिकल्ट होती जाएगी, जिस तरह इस केस में होगी है कि दोबारा से एक्स नेचर लॉग ऑफ एक्स आ गया, एक्स नेचर लॉग ऑफ एक्स, ठीक है, और माइनस एक्स अलहदा से आ चुके हैं, तो इसको हम अलहदा भी कर सकते हैं डी एक्स, ठीक है, और माइनस जो है एक्स को अलहदा से इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। अब क्या है कि एक्स नेचर लॉग ऑफ एक्स यहाँ पर दोबारा आ चुके हैं, चले हम ऐसा करते हैं कि इसको कंप्लीट सॉल्व कर लेते हैं, लेफ्ट साइड भी मैं लिख देता हूँ क्योंकि उसमें भी एक्स नेचुरल लॉग, यानी कि जिसका हम इंटीग्रेशन, जिस फंक्शन की इंटीग्रेशन फाइंड कर रहे थे वही दोबारा हमारे रिजल्ट में आ रहा है, ठीक है, एक्स नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। तो ऐसा करते हैं कि ये मैं लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर नेचुरल लॉग ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, मैंने एज इट इज नीचे उतार दिया, ठीक है, क्योंकि ये इसने आगे मजीद सॉल्व नहीं होना। उसके बाद माइनस ये हम जो टर्म है एक्स नेचुरल लॉग ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन उसको हम लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं क्योंकि यहाँ पर इस तरह की टर्म है, ताकि उसके साथ सॉल्व आउट हो, उसके बाद हम जो भी इसके साथ करना चाहें वो करेंगे, ठीक है। तो पहले मैं ये टर्म लिख रहा हूँ एक्स नेचुरल लॉग ऑफ एक्स डी एक्स, और ये टर्म भी यहाँ पर आकर पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है, जो कि बन जाएगा एक्स नेचुरल लॉग ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, ये टर्म आ गई, ये टर्म बच गई है, तो इसकी इंटीग्रेशन हम लिख लेते हैं। x की इंटीग्रेशन क्या होती है, पावर रूल लगता है क्योंकि इसके साथ इसका डेरिवेटिव मौजूद है इंटू वन आप कह लें, ठीक है, तो पावर रूल लग जाता है एक्स स्क्वायर बाय टू, और प्लस c भी लिख सकते हैं यहाँ पे क्योंकि हम इंटीग्रेट कर चुके हैं, या फिर आप एंड पे भी c लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है कि x नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस x दोनों सेम टर्म्स हैं, मतलब टू टाइम्स हो जाएंगी, a प्लस a क्या होता है टू a होता है ना, क्योंकि दोनों सेम टर्म्स होती हैं, x प्लस x 2x के इक्वल होता है क्योंकि दोनों सेम टर्म्स होती हैं, जिस तरह से ये दोनों आपस में सेम टर्म्स हैं तो 2 इंटू दिस हो जाएगा, तो 2x नेचुरल लॉग ऑफ x dx, और जो राइट साइड है वो उसी तरह से हम लिख देते हैं एक्स स्क्वायर
नेचर लॉग ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस सी। अब क्या है कि हमने तो इंटीग्रल फाइंड करना है सिर्फ इसका एक्स नेचर लॉग ऑफ एक्स डी एक्स का, ठीक है, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो टू इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम राइट साइड पे ले जाते हैं, तो इंटीग्रल ऑफ एक्स नेचर लॉग ऑफ एक्स जो है वो इक्वल आ जाएगा वन बाय टू एक्स स्क्वायर नेचर लॉग ऑफ एक्स माइनस वन बाय टू एक्स स्क्वायर माइनस वन बाय फोर एक्स स्क्वायर प्लस सी बाय टू, इसको हम सी वन कह देते हैं, ठीक है। तो ये है इसकी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, हमने इसको अप्लाई किया तो इस तरह से इसका रिजल्ट आया। अगर इसको आगे मजीद सॉल्व करना चाहें तो आप इन दोनों टर्म्स को ऐड अप कर सकते हैं, मतलब दोनों सेम टर्म्स हैं तो इनको आप सॉल्व कर लेते हैं। वन बाई टू एक्स स्क्वायर नेचर लॉग ऑफ एक्स, तो और इसमें से इन दोनों को अगर हम एलसीएम ले लें या फिर पहले माइनस बाहर कॉमन ले लें, और ये बन जाता है एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस एक्स स्क्वायर बाय फोर, या फिर इसके जो है एक्स स्क्वायर भी आप कॉमन ले लें क्योंकि दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन है, ठीक है। तो माइनस एक्स स्क्वायर इसमें से हमने कॉमन ले लिया और अंदर टर्म्स वन बाय टू प्लस वन बाय फोर आ गए प्लस सी वन कह, ठीक है। तो इसको अब हम एलसीएम लेकर सॉल्व कर लेते हैं, फोर इसका एलसीएम आ जाएगा टू प्लस वन, टू प्लस वन और साथ में माइनस एक्स स्क्वायर है बाहर, माइनस एक्स स्क्वायर और ये वन बाय टू एक्स स्क्वायर नेचुरल लॉग ऑफ एक्स और आगे आ जाएगा प्लस सी वन, ठीक है, इज इक्वल टू जो है वो एक्स नेचुरल लॉग ऑफ एक्स के इंटीग्रल के इक्वल। तो ये रिजल्ट बनता है वन बाय टू एक्स स्क्वायर नेचुरल लॉग ऑफ एक्स माइनस ये टू प्लस वन इज थ्री, थ्री बाय फोर एक्स स्क्वायर प्लस सी वन, ये इसका रिजल्ट बनता है। लेकिन इसमें थोड़ी सी एक करेक्शन है, ऊपर आप अगर देखें तो शुरू में हमने थोड़ी सी एक छोटी सी माइनस साइन की मिस्टेक की थी कि यहाँ पर ये माइनस बाहर है, ठीक है, ये जिस तरह से आप ये देख रहे हैं तो इन दोनों फंक्शंस के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, चलें इसके साथ नेगेटिव है, ये माइनस इसके साथ जब माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस बन जाता है, ठीक है, यहाँ पर प्लस आता है। तो इसी तरह से आगे जो है फिर एक्स स्क्वायर बाय टू, क्योंकि इसकी इंटीग्रेशन है तो एक्स स्क्वायर बाय टू ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव होगा एक्स स्क्वायर बाय टू, फिर उसके बाद टू यहाँ ला के मल्टीप्लाई किया तो ये वन बाय फोर बन गया था लेकिन ये पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। और उसके बाद जो है ये साइन अगर माइनस हम बाहर कॉमन लेते हैं तो ये पॉजिटिव होगा तो ये नेगेटिव होगा, इसको हम नेगेटिव कर देते हैं, ये नेगेटिव हो गया, ये भी नेगेटिव हो गया। उसके बाद फिर टू माइनस वन इज़ वन, टू माइनस वन इज़ वन, वन बाय फोर और चलो ये नेगेटिव साइन तो इस तरह आ जाएगा माइनस वन बाय फोर एक्स स्क्वायर प्लस सी वन। तो ये इंटीग्रेशन है एक्स नेचर लॉग ऑफ एक्स डी एक्स की, ठीक है। तो इसका ये रिजल्ट आ गया बहुत लंबा, यानी कि इसको हमने सॉल्व किया है बहुत, यानी कि लेंथी क्वेश्चन बन गया था। इसको एक और तरह से हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट, यानी कि लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि और किस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं जो कि लेंथी भी नहीं होगा और आसान भी होगा। यहाँ पर इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं।